मध्य प्रदेश में चुनावी महायुद्ध की तैयारी है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र की एक हॉट सीट जिसको कहें सुमावली विधानसभा के बारे में, जहां पर अभी वर्तमान में जो विधायक हैं वो अजब सिंह कुशवाहा जी हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हूं सुरेंद्र सिंह, इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार, कैसे हैं सर? सब ठीक है। नमस्कार, स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। क्या तैयारी आपकी, जो विधानसभा है हमेशा से चर्चा में रही है, वहाँ पर जातिगत टकराव हमेशा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, वहाँ मुरैना में एक सुमावली विधानसभा ऐसी है, वहाँ जो अवैध खनन है वो सिर्फ एक ही समाज है, जो माननीय मंत्री जी का समाज है, उसने हड़प रखा है। किसी भी प्रकार का खनन हो, चाहे वो रेत का हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो मिट्टी का हो, उसके चलते में वहाँ की विधानसभा जो है टोटल जाति बात का चुनाव होता है। मेरी सुमावली विधानसभा में मैंने चुनाव तो 2008 से लड़ना चालू किया और आखिरी पे 2020 में उपचुनाव में मैं कांग्रेस से जीता। सबसे बड़ी बात इसका कारण ये रहा कि मेरी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का वोट बहुत है और मैं पहले बीएसपी से लड़ता रहा, फिर बीजेपी से लड़ा, जैसे ही मुझे मौका मिला या तो मेरी किस्मत मान लो कि इधर गद्दार परिवार ने 20-22 विधायक लेके माननीय कमलनाथ जी के तोड़कर और सरकार गिराई, उधर हमें मौका मिला, माननीय कमलनाथ जी ने हमें आशीर्वाद दिया, हम चुनाव जीते। आज की तैयारी, आज इस बार चाहे वो कुछ भी कर ले, आज जनता समझ चुकी है और विकास कितना, भाजपा विकास विकास जो मंचों से चिल्लाती है वो धरातल पे बिल्कुल जीरो बना दिया है, युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। जैसे कि शिवराज मामा कहते हैं कि साहब अन्याय अत्याचार बच्चियों के साथ में बहुत कम हो गया, मेरी विधानसभा में परसों ही एक लड़की के 15 साल की बच्ची थी जो शौचालय के लिए गई और माननीय मंत्री जी के समाज के कुछ 3-4 लड़कों ने उसको पकड़ा और पीसों में काट के उसके साथ में गलत हरकत किया और पीसों में काट के बाजराए खेत में डाल दिया गया बच्ची को। जब ये लोग अवैध खनन करते हैं उस समय इनकी गाड़ियां निकलती हैं तो उस समय आईएएस आईपीएस उनके लिए आम जनता सब बराबर होते हैं। आपने कुछ साल पहले जैसे बामोर पे आईपीएस को कुचला, फिर टेकरी पे एक सिपाही को कुचला और जनता के लोगों को भी कुचल के कई ऐसे केस हैं जो रखा है। मेरा तो एक ही मकसद है और एक ही कि इस बार कह सुन के बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों से, भाजपा के लोगों से भी हमने कहा ज्ञापन दे दबा के, इससे तो बढ़िया सरकार से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि उसको अवैध ना रहने दे, उसकी परमिशन कोई कानून बना के चंबल की परमिशन लेके और टेंडर डाल के ठेके द्वारा चलाए तो ये घटनाएं नहीं घटी जाएंगी। मतलब रेत को अवैध होने की बजाय उनको वैध कर दिया जाए, जाके ये जो दुर्घटना है वो नहीं घटेंगी और जो क्राइम हो रहा है वो नहीं होगा। और रही बात जैसे क्राइम की, तो मैं तो माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से मंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि हमेशा समाज को विश्वास में लेकर और ये अन्याय अत्याचार जो हो रहे हैं उनको कम करना चाहिए। 2020 से हालांकि मैं जब मैं विधायक बना उपचुनाव में, उसके बाद उनके समाज ने चोरी बिल्कुल नहीं की है, इक्का दुक्का कोई चोरी भले ही हुई हो सुमावली में, काफ़ी सुधार आया है, लेकिन भाषा का बोई दमंगी की भाषा बोलना तो गरीब लोगों का रहना बड़ी मुश्किल हो रहा है। जितने भी गांव हैं उनके समाज के गांव हैं, वहाँ सातव जात पहले रहती थी लेकिन सबकी ज़मीनों को हड़प लिया, किसी को मार के पीट के और भगा दिया और सस्ते मूल्य में ज़मीनें ले ली, इसका जवाब जनता देगी। मेरा तो मानना ये है कि इस बार माननीय कमलनाथ जी की पहले सरकार बनी, कुछ 114 विधायक आए थे, लेकिन इस बार दावे के साथ में
हमारी जन आक्रोश रैली जो अभी चल रही है, माननीय कमलनाथ जी ने जो पूरे प्रदेश में चलाई है, तो उसको कितना समर्थन मिल रहा है ये तो आप भी देख रहे होंगे और देश की जनता भी देख रही है। इनने कुछ दिन पहले भाजपा वालों ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, उसमें कितना इनको समर्थन मिला है ये तो वो भी जानते हैं, जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं। उनके जब मिला है उतना समर्थन, जब 10-20, 100-200, 400 आदमी जब इकट्ठा हुआ है, जब शासन प्रशासन पूरा जनता लाने में लग गया है, तब पैसों की दम पे लाए हैं, आंगनबाड़ियों की लेडीजों वो जो कार्यकर्ता है उनको लेके आए हैं, जो मजदूर स्टेशनों पे पड़े होते हैं उनको 300 रुपए की मजदूरी का साझा दे के लाए हैं और दिया भी है उन्होंने, तब कहीं इनके जन आशीर्वाद में कहीं 400 कहीं 500 कहीं 1000, मुझे कहीं लाखों की भीड़ या हजारों की भीड़ नहीं दिखी और ना जनता को दिखी। इतनी भाजपा ने बौखला कर, केंद्र ने, भाजपा की सरकार केंद्र में जो बैठी है, कभी नहीं सोच सकते कि इस प्रकार के केंद्र के जो उच्च मंत्री थे, वरिष्ठ मंत्री, हाँ, उनको ला के एक विधानसभा में टिकट देना क्या संदेश जा रहा है जनता में कि केंद्र का मंत्री आके एक विधानसभा लड़े। तो इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बीजेपी बौखलाई हुई है और जनता बिल्कुल जान चुकी है। कम से कम हमारी 170 से 190 की सीट बीच में आएंगी कांग्रेस की, और माननीय कमलनाथ जी सीएम बनने जा रहे हैं। और ये भी है कि जिस दिन माननीय कमलनाथ जी सीएम बने, इनको बौखलाहट इस कारण है क्योंकि इनके एक से एक घोटाला जो पड़े हुए हैं, और माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी तो वो घोटाले जनता के सामने ओपन होंगे और कई इनके मंत्री संतरी जो भी ये विधायक जेल जाएंगे, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। आपने बताया कि आपकी विधानसभा के अंतर्गत में अभी रेत उत्खनन होता है, कई क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं और लोगों की दबंगई होती है। आप 2020 से विधायक हैं, विधायक एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद होने के नाते विधायक को ये पावर है कि उस तरह के क्रिमिनल्स लोगों पर कार्रवाई करे और रेत उत्खनन को रोकने का प्रयास करे, क्या करते हैं आप? मैंने बीच में बिल्कुल रोक लगा दी थी 2 महीने के लिए, उसमें मैंने देखा कि जनता को जो रेत की ट्रॉली 1500-1800 में मिलती थी, वही ट्रॉली 5000-6000 में हो गई, तो जनता एकदम जब हताश हो गई, हताश हुई, तो मैंने उस पर कार्रवाई करना छोड़ दी। मैंने वरिष्ठ भाजपा के नेताओं को अपना लेटर भी लिखे, पत्र भी लिखे, भाई रिवरू मिला भी उनसे मिला, तो उन्होंने मेरी बात को माना या उन्होंने संज्ञान में ली, कई घाट उन्होंने ऐसी कानून बनाई और टेंडर के लिए छूट मतलब वहाँ से खुलवा छूट दे दिया, मतलब कि भाई काम कर सके। लेकिन अफसोस इस बात की, जिस दिन टेंडर लड़ने थे, माननीय मंत्री जी इधर सिंह कंसाना के समाज के डर के बाय किसी भी कंपनी ने कोई टेंडर नहीं डाला, मतलब इतना खौफ है वहाँ पर। तो ये कहते हैं वहाँ पर आपकी विधानसभा के अंतर्गत, हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स में भी हमने जब रिसर्च एंड उसमें टीम में गए तो बताया कि भाई हमारा जो सुमावली विधानसभा का जो विधायक है वो क्रिमिनल है। ये सब जनता का मुंह नहीं पकड़ा जाता, ये बिल्कुल सही बात है कि क्रिमिनल और ना क्रिमिनल केसों में अंतर होता है। क्रिमिनल केस मेरे पे मात्र एक केस था, जहाँ जहाँ मुझे 420 लगी है, उन कागजों में मुझे बरी कोर्ट ने बरी जो क्यों किया है, उन न्यायालय ने आपको बरी कर दिया, न्यायालय ने मुझे सब केसों में बरी किया है, तो ये न्यायालय से कोई बड़ा नहीं, न्यायालय से कोई बड़ा कोई बड़ा नहीं है। जब मेरा कहीं कोई रोल नहीं पाया गया है उसके बाद में मुझे बरी किया है, सबूतों के आधार पर आपको बरी किया। तो जब आप अपनी विधानसभा के अंतर्गत में आपके उसके स्तर में जब लोगों से मिलते हैं तो वहाँ कई तरह के समाज के लोग हैं, बहुत सारी समाज हैं, और यहाँ पर जो चुनाव का जो जो रेशियो है वो कुशवा और गुर्जर समाज में बाहुबल का वहाँ पर फैसला होता है और लोग गुर्जर और वर्सेस कुशवा समाज होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि गुर्जर समाज जो अवैध खनन करके
धंधे करके पैसे में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो गरीब जनता को बिल्कुल देखता ही नहीं है। वर्चस्व कुशवा यानी मेरा समाज, ये तो बिल्कुल गरीब है बेचारा, भूखा नंगा बैठा हुआ है, अपने बच्चों का पढ़ाई और पोषण कैसे कर पा रहा है। दूसरा, महंगाई की मार है भाजपा सरकार में, इनके पास कुछ है ही नहीं। जब इनको कोई फिर भी प्रेस इनका समाज या कोई दबाव डालता है या उनके सामने अन्याय अत्याचार करता है तो ये कहनावत कही है बड़े बूढ़ों ने कि नंगे से तो भगवान भी खुदा भी आ रहा है, खुदा भी आ रहा है। मेरे कुशवाहों पे विचारों पे है क्या? आज जहाँ नहीं बसेड़ा करेंगे दूसरी जगह कर लेंगे, उन पर कोई जायदाद बची नहीं है क्योंकि गरीब है समाज, शुरू से समाज है, सब्जी का काम करता है, उस सब्जी में भी कभी नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से मेरा समाज किसी से स्वाभिमानी भी है मेरा समाज, ये मैं समाज को धन्यवाद दूंगा। मेरा समाज मेहनत कर लेगा, मजदूरी कर लेगा, लेकिन किसी के सामने एक तो हाथ नहीं लगेगा और ना कोई गलत काम करेगा, चोरी नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा। तो आपके रहते हुए 2020 से आप चुनाव में हैं, मतलब आप विधायक हैं, आप वहाँ पर विधानसभा को देख रहे हैं, उस समय से अब तक क्या परिवर्तन आया, क्या परिवर्तन लाने का प्रयास किया समाज के लिए हित में आपने क्या किया? आपके रहते हुए क्या रोजगार के आपने आयाम रचे, क्या स्कूलों के लिए, क्या समाज के लिए, क्या कुछ बदलाव लेकर आए आप? कुछ बदलाव आए हैं, जैसा कि आपने कहा स्कूलों के लिए, आपने कहा विकास के लिए। विपक्ष में विधायक था मैं, हूँ अभी, जो मेरी विधायक निधि मिलती है वो सही जगह पे लगी हुई है, मेरा ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद जब से मैं विधायक बना हूँ तब से बिल्कुल चोरी का रिकॉर्ड ख़त्म है, इक्का दुक्का कोई चोरी हुई है 3 साल के अंदर? और जब ये मंत्री जी विधायक रहते हैं तब तो चोरी की भरमार होती है सुमावली के अंदर, चोरियों की बारिश हो जाती है, बारिश हो जाती है, और बहन बेटियों का जीना हराम हो जाता है। गरीब लोगों को खेतों पे खेत जोत लेते हैं, उनके कब्जे छुड़ा लेते हैं। तो इसके लिए तो कानून है, पुलिस है, सब लोग कलेक्टर है, कमिश्नर हैं, एसपी हैं, वहाँ शिकायत तो होनी चाहिए वहाँ पर। आपने आज से 2-3 दिन पहले की घटना देखी होगी ग्वालियर। हाँ, इनका समाज इतना बढ़ चुका है, निडर हो चुका है। पहले बताते थे बड़े बूढ़े कि एक पुलिस को देख के ये बहुत डरते थे। हाँ, लेकिन जब से ये राजनीति में आए हैं और इन्होंने पैसा कमा लिया है उससे तब से ये डरना तो छोड़ो, शासन प्रशासन को अगर जिन्हें जरूरत पड़ी तो कलेक्टर एसपी को भी ये मार देते हैं, आईपीएस को कुचल के मार दिया था, इसलिए ये बहुत आतंक में आगे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ सुमावली की जनता, कोई 1-2 आदमी मैं कह नहीं सकता जिन्होंने कहा कि हमारा विधायक तो क्रिमिनल है, हो सकता है उनके पक्ष का आदमी हो। अगर मैं क्रिमिनल हूँ तो मुझे इतना समर्थन कैसे मिलता है? जैसे जन आक्रोश रैली में मेरी जो सभा हुई थी करीब 20-25 आदमी के साथ सभा हुई, कहते हैं कि वाले रिजल्ट में भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो उसी मंत्री जी को अभी 11,500 से हराया था, लेकिन जनता का मेरे पास प्यार है और जनता का मेरे साथ सहयोग है, इस बार मैं 25 से लेकर 30,000 तक हरा के दूंगा जी। मैं कहते हैं कि क्रिमिनल है या नहीं है ये तो बताएंगे हम नवंबर में जब चुनाव होंगे, तो हम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और बीजेपी इतना काम कर रही है, लाडली लक्ष्मी से लेकर के बुजुर्गों के लिए पेंशन और आवास सब सुविधाएं दे रही, कांग्रेस ने किया 70 साल तक राज किया कांग्रेस ने। आज ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, वो मुझे बताने में भी बड़ी खुशी हो रही है। जैसे कि जो मंच के माध्यम से चल जाते हैं 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 65 साल में क्या किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया, आज मैं आपसे आपके माध्यम से इन लोगों को भाजपा के नेताओं को पूछना चाहता हूं कि कोई भी गरीब से गरीब या अमीर से अमीर होगा अगर उसका घर खाली करवाएंगे तो जब वो घर खाली करता है तो वो एक कटोरी नहीं छोड़ता है। जब अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था अपना भारत, उसके बाद कांग्रेस ने राज किया है, तो अंग्रेज जब भारत छोड़ा होगा तो अंग्रेजों ने कुछ इंडिया के अंदर कुछ छोड़ा तो होगा, लूटपाट मचाई होगी, सब पूरा ले गए होंगे सामान को। 65 साल के अंदर जब कांग्रेस बैठी है तो कांग्रेस ने देश को जहां तक लाने में बड़ी कड़ी मेहनत की है, आज सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक इंडिया के अंदर बन रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति बने हैं जो
तो सब कांग्रेस के राज्य में ही बने हैं। इन्होंने तो पढ़ी पलाई, इनको तो मिल गया, भाजपा वालों को केंद्र में सरकार माननीय मोदी जी बैठे हैं तब से पूरा, चाहे वो बिजली विभाग हो प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, मनमाने बिल वसूल हो रहे हैं जनता से, पूरे बस स्टैंड बेच दिए, परिवहन विभाग ही ख़त्म कर दिया। और ये प्राइवेटकरण जो कोई जनता के हित की बात है, बिल्कुल हित की बात नहीं है। इसलिए ये कहना तो ये संभव नहीं है इनको कि कांग्रेस ने क्या किया, शोभा नहीं देता इनको कहना है, शोभा नहीं देता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे लाडली लक्ष्मी का जो बेनिफिट सभी आप देख रहे हैं, प्रत्येक महिला को 1,000 से लेकर 3,000 रुपए तक दे रहे हैं, बुजुर्ग को पेंशन दे रहे हैं और गरीबों को आवास दे रहे हैं, इसका कुछ लाभ नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल। मैं ठीक आपने क्वेश्चन किया, अगर यही करना था शिवराज जी को तो 18 साल सरकार को हो गई, चलो 5 साल समझने में लग गई होंगी, आज ये 2010 में 8 में कर देते। ये सिर्फ साझा है, इनको बिल्कुल घास डालने वाली बात आती है वो है ये चुनाव आ गया। तो क्या है ये अभी, अभी क्या है? अभी कुछ नहीं है, ये सिर्फ चुनाव के लिए है। और उनको पता लग गया कि हम सरकार से बाहर जा रहे हैं तो माननीय कमलनाथ जी पे भजन है, जो अभी मैं तो देखता हूँ कि 3 महीने के अंदर इन्होंने कई 1,000 करोड़ कर्जा ले लिया, हर जनता को कर्जे में डुबा दिया, मध्य प्रदेश की जनता को। ये क्या हो रहा है? ये चुनाव पे ही 3 महीने पहले से ही क्यों हुआ? ये आज तक 15 साल से क्यों नहीं हुआ? तो शिवराज तो कहते हैं कि फूलों का तारों का कहना है, 1,000वां हमारी बहना है। नहीं, बिल्कुल झूठ बोलने में तो एक्सपर्ट है। अच्छा, झूठे घोषणा करना शिवराज जी का, पहला कौन से स्कूलों में पढ़े हैं, कौन से पाठ में पढ़े हैं, लेकिन लोग बताते थे पहले उन्होंने कोई नौटंकी में काम किया है, तो ये नौटंकीबाजी तो उनको आती है अच्छी तरह से। केंद्र में भी जनता ने नज़र रखी कि चलो केंद्र में मोदी जी आए, वो उनके शिवराज जी के बाप निकले, वो 24 घंटे ही झूठी घोषणा करते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ अजब सिंह कुशवाहा जी। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार, थैंक यू।